ये है दैनिक प्रातःकाल का डिजिटल एडिशन प्रातःकाल लाइव। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि डांडिया गरबा के लिए लाउड स्पीकर डीजे बजाने की जरूरत नहीं है, दूसरों को डिस्टर्ब किए बिना नवरात्रि मनाई जानी चाहिए। न्यायमूर्ति सुनील शुक्रे और न्यायमूर्ति गोविंद सनप की खंडपीठ ने कहा कि 9 दिनों के उत्सव के दौरान देवी की पूजा नहीं की जा सकती है। यदि भक्त को परेशान होती है तो भक्त स्वयं दूसरे को परेशान करता है। पीठ ने कहा कि डांडिया और गरबा एक धार्मिक उत्सव का आंतरिक हिस्सा होने के कारण अभी भी विशुद्ध रूप से पारंपरिक और धार्मिक तरीके से किया जा सकता है, जिसमें लाउड स्पीकर डीजे ध्वनि और इस तरह के आधुनिक उपकरण न हो। न्यायालय एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिसमें ध्वनि प्रदूषण नियम 2000 के तहत एक खेल के मैदान पर चल रहे नवरात्रि उत्सव के लिए साउंड सिस्टम के उपयोग पर रोक लगाने का निर्देश देने की मांग की गई थी, जिसे साइलेंस जोन घोषित किया गया था। कोर्ट ने अपने फैसले में नवरात्रि के दौरान पूजा का महत्व समझाया। कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि 9 रातों तक पूजा की जाती है और शक्ति का एक रूप है। शक्ति की देवी की पूजा तभी प्रभावी होती है जब वह बिना किसी हिचकिचाहट के हमारे आसपास के वातावरण से आने वाले मन की अशांति के बिना की जाती है, जिससे दूसरों को कोई परेशानी न हो। इसलिए एक सवाल उठता है कि क्या नवरात्रि महोत्सव क्या शोर या दूसरों को झुंझलाहट या अशांति पैदा करने के तरीके के बिना नहीं मनाया जा सकता। इस पर पीठ ने कहा कि नवरात्रि उत्सव में भगवान की पूजा तब तक संभव नहीं है जब तक आप अधिष्ठाता देवता की आराधना के लिए पूर्ण एकाग्र न हो। ऐसे में अगर शरीर और मन की सभी ऊर्जाएं किसी और चीज पर केंद्रित होंगी तो आराधना कैसी होगी। एक सच्चा भक्त अपनी भक्ति व्यक्त करना चाहता है और बिना परेशान हुए और दूसरे को परेशान किए बिना देवता की पूजा करना चाहता है। निश्चित रूप से एक सच्चा भक्त बाहरी दुनिया से किसी भी प्रकार की अशांति प्राप्त किए बिना अपनी भक्ति व्यक्त करना और देवता की पूजा करना चाहता है, और वह स्वयं अपनी पूजा और भक्ति की अभिव्यक्ति में दूसरों को कोई बाधा नहीं पहुंचाएगा। पीठ ने कहा कि कोर्ट ने आगे कहा कि नवरात्र उत्सव के दौरान देवता की पूजा और भक्ति को बहुत सावधानी से किया जाना चाहिए और एक भक्त को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके कार्यों से त्योहारों के अनुशासन और पवित्रता का त्याग नहीं किया जाता है। अगर आप ये कार्यक्रम YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना ना भूलें।